देखिए, मैं कर रही हूँ सुबह का पूजा और आज अष्टमी का ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मतलब नवरात्रि में अष्टमी के दिन का। तो आज सबका है फास्ट हमारे घर में। और ये देखिए, मेरा पूजा हो चुका है सुबह वाला। और ये प्रियम जो है नहा धो चुका है, आज सबकी छुट्टी है ना, तो नमन गए हैं कोचिंग। और प्रियम जो है पौधों में पानी डाल के आया है, तो नहा धो के पूजा कर रहा है। और मैं मतलब कि ये होता है ना कि बच्चों को भी थोड़ा सा पूजा उजा करना चाहिए और ज़रूरी होता है। हमें हमारी जो संस्कृति है उसको भूलना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को भी नहीं भूलना चाहिए गाइज। तो यहाँ देखिए, हमारे मंदिर में अच्छे से पूजा हो चुका है और मैंने सुबह वाला आरती और हवन जो भी होता है मैं सब कर चुकी हूँ। और प्रियम से मैं बोली ना कि आज अष्टमी है, तो आज तुम मतलब कि फास्ट हो तो एक बार पाठ कर लो दुर्गा चालीसा। तो ये पहना था जीन्स और इसकी भी कोचिंग है, तो इसको भी जाना है कोचिंग। और नमन का सुबह का था, इसका 10 बजे से है। तो मैं बोली कि पाठ कर लो, थोड़ा सा दुर्गा चालीसा पढ़ के आरती उड़ती कर लो। तो ये जीन्स पहन के ना ज़मीन पे बैठ नहीं पा रहा था, तो इसलिए हंस रहा था। तो अभी पाठ उठ करके वो कर रहा है। और इधर देखिए, नमन जो है आ गए हैं कोचिंग से, अब इनका नहाना धोना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स आप लोग घर भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मस्त अच्छी होंगे। फिर से आ गई हूँ क्या ऐसा नया सा टॉपिक लेके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो के ओपनिंग में ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाई कि मेरी पूजा हो गई थी। और मेरी पूजा करने के बाद प्रियम जो है आप लोगों को दिखा पूजा करते हुए। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि मतलब कि हमारे बच्चों को भी कुछ ये सब जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मतलब की परंपराएं हैं, वो सब सीखना चाहिए। और बच्चों को आना चाहिए कि मतलब कि पूजा पाठ में भी थोड़ा सा दिमाग को लोगों का लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, पूजा भी करना जरूरी रहता है। बस 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम लगे भगवान के पास जाके थोड़ा सा उनका नमन कर ले तो अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए, नमन को मैं दिखाई थी आप लोगों को, वो सुबह चला गया था तो आया घर। और उसके बाद प्रियम को मैं आलू की टिक्की बना के दी, वो खा के गया थोड़ा सा, दो ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, दो खा के चला गया कोचिंग। अब कोचिंग सबकी खुली है, तो वो लोग गए, प्रियम गया कोचिंग और नमन भी आ गए हैं। तो नहा धो के पूजा पाठ करके चाय और मखाना दी थी, खा लिए गाइस। मैं भी चाय पानी पी ली हूँ, अम्मा को और पिताजी को भी दे दी हूँ, वो लोग भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, सबका हो चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए फलाहारी। तो गाइस मखाना थोड़ा कम पड़ता था, तो मखाना मैं एक्स्ट्रा भून के रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन भूनने जाए। तो मखाना मैं भून रही हूँ, तो मखाना लगभग मेरा भून चुका है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी आलू साबूदाना का टिकिया और स्नैक्स, सॉरी आलू साबूदाना की टिकिया और वो क्या बोलते हैं सिंघाड़े का आटे का हलवा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मतलब ये सब मैं भून ले रही हूँ, फिर बनाऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। और सिंघाड़े का जो सॉरी साबूदाना और आलू का जो टिकिया होता है, उसकी रेसिपी मैं पिछले साल ही शेयर की थी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी होता है, खाने का मन अच्छा हो जाता है। तो शाम को भी मैं आज का ब्लॉग जो है पूरा शाम तक दिखाऊंगी कि क्या करने वाली हूँ, कैसे क्या होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो के जो भी चैनल हमारे आए हैं नए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्लॉग देख सकते हैं। तो चलिए आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं जा रही हूँ, खाना मेरा भून चुका है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। और जिसके लिए मैं यहाँ घी डाल दे रही हूँ, देसी घी है, ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी गाइस। और उसके बाद मैं इस आटे को क्या करूँगी कि भून लूँगी और ये एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे भूनना है, देखते हैं। और उसके बाद फिर इसमें चीनी और पानी डाल के, जैसे मतलब कि आटे का हलवा आप बनाते हैं ना, उस तरीके से मतलब आपको बनाना है। तो चलिए, हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है और इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। इसको ना जब अच्छे से आप भूनेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा गाइस, सिंघाड़े का हलवा का टेस्ट। और उसके बाद फिर
इसमें चीनी और पानी डाल के इसको पका लेना है। फिर प्लेट में घी लगा के इसको फैला के आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेट करके तो फिर आप इसको फैला देंगे तो कुछ टाइम बाद ठंडे होने पे ना ये जम जाता है। उसके बाद फिर आप इसको कट करके चाकू से अपने हिसाब से आप अपने मनपसंद पीसेस में काट के इसको आप सर्व करेंगे तो ये टेस्टी भी होता है। जो जिसको मीठा पसंद है उसको अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट ये है कि व्रत में कुछ तो चाहता ही है खाने के लिए, तो फिर नमकीन के बाद कुछ मीठा खा के ही पानी लोग पीते हैं, क्योंकि पिताजी भी हैं, ये भी हैं, सभी हमारे घर में सभी फास्ट हैं, तो सबके लिए बना रही हूँ गाइस। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से आगे। तो यहाँ फ्रेश देखिए, मैं साबूदाना और आलू का टिकिया बना रही हूँ, इसमें सब कुछ मिक्स कर दी हूँ। इसका मैं इसका वीडियो का जो पहले मैं डाली थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है खाने में। तो जब भी आप साबूदाना और आलू का टिकिया बनाएं ना, तो उसको बनाने से 2 घंटे पहले ही साबूदाना को भिगो दीजिए, तो इसको आप दही या फिर टमाटर धनिया की चटनी के साथ आप सर्व करें। तो यहाँ मैं देखिए टमाटर की चटनी मैं बना ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा धनिया और हरा मिर्च और सीधा नमक डाली हूँ। तो चलिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ फिर सर्व करती हूँ। तो यहाँ गाइस देखिए हमारा जो है फलाहारी का प्लेट जो है तैयार है, तो मैं भेज दे रही हूँ नीचे पिताजी को, और घर से भी आए हैं चाचा के बेटे और बहू, उन लोगों का मैं वीडियो बना नहीं पाई तो वो लोग भी आए थे, काफ़ी टाइम मतलब कि ऐसे ही बात करने में चला गया, अच्छा लगा, उसके चक्कर में टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये देखिए शाम का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, और मैं हो रही हूँ थोड़ा सा रेडी और जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो देखिए शाम का पूजा हमारा हो चुका है, तो अब पूजा वूजा करके मैं उठी हूँ, और इस टाइम बज रहे हैं 5:30, शाम के 5:30 हो गए हैं फ्रेंड्स, और आज थोड़ा जल्दी मैं पूजा की क्योंकि मंदिर भी जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब शाम का टाइम था, और शाम के टाइम में मतलब कि चाय पानी हो गया सबका, नहा धो के फिर शाम वाला भी पूजा मैं कर ली हूँ, और दोपहर में ना ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मतलब कि घर से देवर देवरानी आ गए थे, यानी कि गांव से चाचा के बहू बेटे वो लोग आए थे, तो काफ़ी टाइम हम लोग बातें होते किए, तो फिर वो लोग गए और मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई उन लोगों का, क्योंकि काम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं थे वो लोग, और उसी में बात उत करने में हम लोग व्यस्त थे, और फिर उसके बाद वो लोग नाश्ता पानी करके चले गए। तो फिर अब शाम का पूजा हो चुका है फ्रेंड्स, अब चल रही हूँ मंदिर दर्शन करने, और मैं हो गई हूँ रेडी थोड़ा सा, और बस नहा के यही कपड़ा पहन ली, और जो भी सामने मिलता है मैं पहन लेती हूँ। तो चल रही हूँ मंदिर दर्शन करने, और आज है अष्टमी, तो अष्टमी का फास्ट था ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज दर्शन कर लेते हैं क्योंकि कल नवमी हो जाएगा, तो हवन और कढ़ाई करने में सब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर दोपहर में मतलब है ना जैसे कढ़ाई देने के बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ता है धूप में, तो शाम को चल रही हूँ दर्शन करने, और व्रत भी है। तो चलिए मंदिर पर मिलते हैं आप लोगों से फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ, और प्रियम जा रहा है, प्रियम हो रहा है रेडी, अपना बाल सही कर रहा है, और हस्बैंड जा रहे हैं, नमन रहेगा यही, अम्मा पिताजी नीचे हैं। तो यहाँ देखिए जो है गाइस हमारा जो है शाम का पूजा हो चुका है, दीपक आरती सब हो गया है मंदिर का, तो चलिए मंदिर पे मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए मैं शाम को हम लोग निकल चुके हैं, और बाइक से ही तीनों लोग जा रहे हैं, और ये पास में ही है मैयर माता का मंदिर, इसका मैं वीडियो पिछले साल भी शेयर की थी, नवरात्रि में हर बार जाती हूँ, बर्थडे हो सालगिरह हो तो हम लोग जाते हैं यहाँ माता रानी का दर्शन करने। तो चलिए बने रहिए, और मैं अब आगे म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, और आप लोग मंदिर का दर्शन करिए, माता रानी का दर्शन करिए। तो यहाँ देखिए मंदिर के सामने हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से ले रहे हैं माला फूल। तो मैं अब
देखिए मंदिर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और शाम के टाइम तो नवरात्रि में तो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि मैं इसका वर्णन आप लोगों के साथ नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो बहुत मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं हर जगह का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, दर्शन हो चुका है। और देखिए मंदिर में जो है कुछ दुकानें लगी रहती हैं जो कि सारे सामान मतलब कि मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं पंडाल देखने। और प्रियम को देखना था पंडाल, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैं मतलब कि ये कचहरी के कई कई जगहों पे पंडाल जो है बहुत अच्छा बनता है, तो सबसे अच्छा दो तीन जगहों पे बनता है। तो यहाँ हम लोग जो है कचहरी के पास आए हैं, और यहाँ जो जौनपुर में है हमारे, तो यहाँ का जो है पंडाल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हर जगह का मतलब वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है इसलिए। तो चलिए गाइज यहाँ मैं एक जगह का पंडाल आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और आप लोग देखते रहिए और देखिए कि यहाँ मतलब कि कैसा पंडाल बनता है। और सबसे बेस्ट पंडाल बनता है लाइम बाज़ार का, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है। लेकिन ये मतलब कि कचहरी वाले रोड का है ये पंडाल, और यहाँ का आप लोग देखिए लाइम बाज़ार का तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है। वहाँ का मैं मतलब कि देख नहीं मतलब वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और मैं वहाँ गई भी नहीं थी इस बार क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसकी वजह से। और यहाँ देखिए माता रानी को स्थापित किया गया है। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स जाएंगे घर, और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि घर जाने के बाद ना वहाँ भी सारा काम बचा हुआ है। पिताजी को इस टाइम मतलब कि बनाना है खाना, और सुबह मतलब कि व्रत थे, शाम को उनको चाहिए कुछ खाने के लिए चाहिए खाने में, क्योंकि दवा खाना है उनको, तो दोनों टाइम व्रत नहीं रह सकते हैं, बाकी सबके लिए फलाहारी बनाना है। तो काफ़ी लेट हो जा रहा है गाइस। तो यहाँ हम लोग कुछ पी कुक निकलवाए थे, उसके बाद अब हम लोग यहाँ से घर से निकल गए हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स इजाज़त चाहती हूँ। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए।